हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। बाल मनोविज्ञान की यह तीसरी क्लास है। इसके पहले जो सबसे पहली क्लास थी, हमने उसमें सोशलाइजेशन को डिस्कस किया था। दूसरी क्लास में बाल विकास और शिक्षण विज्ञान को, और ये तीसरी क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास भी आपको पसंद आएगी। हो सकता है कि आपने सोशलाइजेशन का वीडियो न देखा हो, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा CTET परीक्षा के लिए एक स्पेशल फेसबुक पेज भी मैंने क्रिएट किया है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी बिल्कुल सही तरीके से मिल जाएगी, यानी कि बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। तो आप उस पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा। इसके लिए आप हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास के अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे शारीरिक विकास के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बाल विकास के अंतर्गत चार चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो आपका हो गया शारीरिक विकास, उसके बाद क्रियात्मक विकास होता है, उसके बाद जब क्रियात्मक विकास के बाद आता है भाषा विकास, और भाषा विकास के बाद स्मृति, स्मृति के बाद फिर आता है संवेगों का विकास। तो इन पांचों जो है टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं शारीरिक विकास से। शारीरिक विकास के बारे में दो महान मनोवैज्ञानिक हैं जिनके विचार काफ़ी यहाँ पर उल्लेखनीय हैं। MC जोन्स, इन्होंने एक थॉट दिया था 1958 में। इसके बाद आते हैं E. Parker, जिन्होंने 1960 में अपनी परिभाषा को दिया था। तो आइए देखते हैं कि इनकी परिभाषा क्या थी। MC जोन्स 1958, इन्होंने कहा है, जब बालक से वयस्क व्यक्ति बनता है, तब बाल्यावस्था के अंतिम चरण के व्यवहार को शारीरिक विकास के अप्रत्यक्ष प्रभाव महत्वपूर्ण ढंग से चिर अस्थायी रूप से प्रभावित करते हैं। आई रिपीट कि जब बालक से वयस्क व्यक्ति बनता है, यानी कि एक स्टेज होती है जहाँ पर बालपन नीचे रह जाता है और जो युवावस्था स्टार्ट होता है, तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन के बारे में बात हो रही है, तब बाल्यावस्था के अंतिम चरण, यानी कि यहाँ पर जो व्यवहार बालक करता है, व्यवहार को शारीरिक विकास के अप्रत्यक्ष प्रभाव महत्वपूर्ण ढंग से चिर अस्थायी रूप से प्रभावित करते हैं। यानी कि जो चीज़ें बाल्यावस्था के अंतिम चरण में मौजूद रहती हैं, वो आगे चलकर ताउम्र बनी रहती हैं, अकॉर्डिंग टू MC जोन्स 1958। ठीक है, अब बालकों में जो शारीरिक अभिवृद्धि होती है वह नियमित रूप से तो होती नहीं, कभी यह तीव्र गति से होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको आप 2-3 महीने के डिफरेंस में देखते हैं तो वो काफ़ी लंबे हो गए होते हैं, और कुछ बच्चों को आपने ऐसा भी देखा होगा कि काफ़ी समय से वो एक जैसी स्थिति में ही बने रहते हैं। तो यानी ये जो ग्रोथ होती है वो अनियमित होती है, सभी अवस्थाओं में यह अस्थायी नहीं रहती, असतत होती है। इसके बाद नंबर आता है E. Parker का, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी थी 1960 में। इन्होंने कहा था कि विवृद्धि यानी कि जो शारीरिक विकास है, ये कभी मंद गति से होती है, कभी तीव्र गति से होती है। तो ये तो मैंने आपको बताया ही। देखिए, एक प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, और प्रश्न ये है कि बाल्यावस्था में बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा ये सवाल, और इसका जवाब होता है 350। ठीक है, 350। आगे चलकर क्रमशः हड्डियां जो होती हैं वो आपस में जुड़ने लगती हैं, और एक वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या रह जाती है 206। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट और भी हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि 3 से 6 वर्ष तक बालकों में 3 इंच प्रतिवर्ष के हिसाब से वृद्धि होती है। 3 से 6 वर्ष तक बालकों में 3 इंच प्रतिवर्ष के हिसाब से वृद्धि होती है। 6 वर्ष की अवस्था तक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की अवस्था तक लड़के और लड़कियों में जो वृद्धि दर होती है वो समान दर से होती है। ठीक है, इसके बाद वह संधि आती है यानी कि प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी एज में बालकों की लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है, बालक उसमें लड़कियों से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, और लड़कों की लंबाई लगभग 22-23 साल तक और लड़कियों की लंबाई लगभग 18 से 19 साल तक बढ़ती रहती है। ठीक है, और जो किशोरावस्था होती है उसमें मांसपेशियों में जलीय अंश लगभग कितना होता है 66%, और ठोस अंश कितना होता है बाकी जो बचा यानी कि 34%। ठीक है, अब बात करेंगे क्रियात्मक विकास के बारे में। तो हरलॉक का कथन है
कि शरीर की विभिन्न मांसपेशियों पर नियंत्रण का विकास ही क्रियात्मक विकास है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसा कि आपको पता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर कुछ थॉट्स और उनके विचार से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं, तो इस हिसाब से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप एक बच्चे से कहते हैं कि वो क लिखे तो वो क को नहीं लिख पाता है, जबकि आप क को बहुत ही सरलता से लिख लेते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि आपका अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण है, जबकि बालक को नहीं होता है। इसलिए बालक जब चलता है तो वो गिर जाता है, संभलता है, आगे चलकर उसकी मांसपेशियां जब विकसित होती हैं और वो अपनी मांसपेशियों को नियंत्रित करना सीख लेता है तो फिर अन्य क्रियाओं को भी वो अच्छे से कर पाता है। दैट इज क्रियात्मक विकास, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए दो सिद्धांत होते हैं, इसके बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, हालांकि मैं दोबारा से बता देता हूँ जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको पता चल जाए। एक होता है मस्तकाधोमुखी, यानी कि इसमें जो विकास होता है वह सिर से शुरू होकर मुख्य गर्दन धड़ और पैरों तक होता है। इसको कहते क्या है, मस्तकाधोमुखी विकास, मस्तकाधोमुखी विकास, ठीक है। और इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो क्या कहेंगे, सेफालोकाउडल सीक्वेंस, सेफालोकाउडल सीक्वेंस। स्पेलिंग में बता देता हूँ, CEPHALOCAUDAL, ये एक ही में है, ठीक है। ये हो गया वह सेफालोकाउडल। और दूसरा क्या होता है विकास का, दूसरा जो सिद्धांत है निकट दूर क्रम, मतलब इसमें जो स्पाइनल कार्ड से जो पेशियां निकट होती हैं वो पहले विकसित होती हैं और जो दूर होती हैं वो बाद में विकसित होती हैं। उदाहरण के तौर पे ये माना जाता है इससे पहले हाथ विकसित होता है तब उंगलियां विकसित होती हैं, ठीक है। तो ये जो है क्रियात्मक विकास का एक उदाहरण है। क्रियात्मक विकास सामान्य कोटि से विशिष्ट की होता है, और जैसे कि आपको पता है बालक क्या होता है, पहले गिनती की सीखता है 1 2 3 4 5, फिर वो जोड़ घटाना गुणा भाग जैसी संख्याएं भी सीख जाता है। यानी कि ये जो विकास होता है पहले सामान्य होता है, बाद में विशिष्ट हो जाता है। और इसमें जो मांसपेशियां होती हैं वो बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर बढ़ती हैं। तो ये हो गया आपका क्रियात्मक विकास। मुख्य रूप से देखा जाए तो हरलाक के ये जो कथन है ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसके कारकों में है परिपक्वता, यानी कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है, वैसे वैसे भाषाएं उसकी, मतलब जो भाषा होता है उसका विकास और अधिक और अच्छा होने लगता है। स्वास्थ्य पर भी डिपेंड करता है, हेल्थ पर। इसके अलावा इंटेलिजेंस, जो उसमें बुद्धिमत्ता होती है, उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ बालक होते हैं सेम एज के तो कुछ ज़्यादा विकसित होते हैं भाषा के परिप्रेक्ष्य में, कुछ कम विकसित होते हैं। इसके अलावा सामाजिक अधिगम, यानी कि जो लोग समाज में, जो बच्चे ज़्यादा आते जाते हैं तो वो समाज से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उसको कहा जाता है सोशल लर्निंग। प्रेरणा और निर्देशन और व्यक्तिगत विशेषताएं और लिंग भेद, ये भी माना जाता है कि जो लड़का और लड़की होते हैं इनमें भी लर्निंग में कुछ अलग अलग थोड़ा सा अंतर होता है। और यहाँ तक माना जाता है कि लड़कियाँ जो होती हैं वो लड़कों से ज़्यादा तेज सीखती हैं, ये माना जाता है। हालाँकि ये सर्वमान्य सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता का जो नियम है वो हर जगह लागू होता है। कुछ लोग तेज होते हैं, कुछ लोग स्लो होते हैं, कुछ लोग मंद बुद्धि होते हैं, कुछ लोग जड़ बुद्धि होते हैं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन के बारे में तब हम इसके बारे में बात करेंगे। और अब नेक्स्ट है स्मृति, यानी कि मेमोरी। मेमोरी के बारे में A.T. जर्सील्ड 1950 में इनका यह कथन जो है वो बहुत ही मतलब सत्य है और ये बहुत ही संदर्भित भी है कि जीवन की आरंभिक अवस्था में ही स्मृति के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को और अपने परिवार के लोगों को पहचानने लगता है, और जो लोग बाहरी होते हैं उनको देख के वो रोने लगता है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि ये मेमोरी की वजह से होता है। बालकों के स्मरण का सबसे पहला जो अध्ययन किया था किसने किया था, किया था स्टीफेंस ने 1900 में, ठीक है। तो सवाल अगर पूछा जाए कि बालकों के स्मरण का सबसे पहले किसने अध्ययन किया था, तो आपका जवाब होगा स्टीफेंस। और ये जो उन्होंने अध्ययन किया था कब किया था, 1900 में, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे संवेगों का विकास। संवेग का अर्थ आपको आता होगा समझ में, संवेग का अर्थ होता है जैसे कि बालक कभी कभी रोता है, कभी मतलब हंसता है, तो ये अलग अलग संवेग होते हैं। संवेगों की जो अवस्था होती है बहुत ही छोटे समय के लिए होती है, जैसे गुस्सा हो जाता है, दुखी हो जाता है,
तो ये चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। गुड एनफ, गुड एनफ, देखिए नाम जो है गुड एनफ, 1932 में इन्होंने फोटोग्राफ विधि की सहायता से निष्कर्ष निकाला था कि परिपक्वता संवेगों के विकास को प्रेरित करती है, परिपक्वता संवेगों के विकास को प्रेरित करती है, यानी कि जितना ही अधिक जो बालक होता है परिपक्व होता है उसके संवेग भी उतने ही अधिक मजबूत होते हैं। और इसका एक सीधा सा उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे आप जब छोटे थे तो क्षण भर में नाराज होते थे तो अगले क्षण हंसने लगते थे, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपकी नाराज़गी अगर अपने दोस्त से हो जाती है या किसी से भी हो जाती है तो ये महीनों सालों तक चलती रहती है, ठीक है। जितना अधिक मैच्योर आप रहेंगे संवेग भी उतने ही अधिक ड्यूरेबल हो जाते हैं। सी टी मॉर्गन 1965 इन्होंने सिद्ध किया कि संवेगात्मक व्यवहार की परिपक्वता के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकसित होना आवश्यक है। और जॉन्स ने बालकों पर सांप के भय के अध्ययन में पाया था कि परिपक्वता संवेगों के विकास को प्रभावित करती है। तो बेसिकली आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपकी परिपक्वता होती है, बालक की परिपक्वता जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बात करेंगे समाजीकरण के बारे में, तो इसके बारे में पहले ही एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हमने जुड़े हुए सारे फैक्ट डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारी प्लेलिस्ट टीटी वाली भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको 2017 की जो टीटी हुई थी उससे संबंधित बहुत सारे मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, आप वो मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और इसके अलावा यूपी टीटी मॉक टेस्ट नाम का एक अलग फोल्डर भी यूट्यूब पर है, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत अलग अलग चीज़ों पर मॉक टेस्ट लिए गए हैं और बिल्कुल उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर परीक्षा होती है। तो अब समाजीकरण के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, हम लोग आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। समूह उन थोड़े से व्यक्तियों को कहते हैं जिनमें इस प्रकार के संबंध हों कि वे एक समझी जाएं, यह कथन किसका है? समूह उन थोड़े व्यक्तियों को कहते हैं जिनमें इस प्रकार के संबंध हों कि वो एक समझे जाएं, और यह कथन है स्मॉल का। तो विकल्प ए आपका यहाँ पे सही है, विकल्प ए। नेक्स्ट है, समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू होती है? तो जैसा कि आपको पता है कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है यह शैशवावस्था से ही स्टार्ट हो जाती है। कब से? शैशवावस्था से। नेक्स्ट है, सामाजिक एकाकी व्यक्ति में, सामाजिक एकाकी का अर्थ हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता है तो उसमें एक फैक्टर, एक कारक का अभाव हो जाता है, तो डेफिनेटली वह जो होगा समाजीकरण, सोशलाइजेशन ही होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। मानव शिशु में भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस उम्र में शुरू होता है, यानी कि बालक जो होता है वह भाषा को कब समझने लगता है और अपनी भाषा में अपनी जो भावनाएं हैं औरों तक पहुंचाने भी लगता है, तो ये कार्य करता है 3 वर्ष की अवस्था में, 3 वर्ष। 12 वर्ष की उम्र में बालक का शब्द भंडार औसत रूप में कितने शब्दों का होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 10,000। बालक के समाजीकरण में समूह का योगदान निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? रिपीट कीजिए क्वेश्चन को, बालक के समाजीकरण में समूह का योगदान, यानी कि जो ग्रुप होता है उसका जो योगदान होता है किस कारक पर निर्भर करता है? तो बात होती है अंतःक्रिया की। अंतःक्रिया का अर्थ होता है जैसे कि बालक जिस सोसाइटी में रहता है तो वहाँ पर वो और लोगों से भी सीखता है और अपने द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पर छोड़ता है, तो एक इंट्रैक्शन होता है, तो इससे बालक जो होता है बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। तो जैसा कि आपको पता है कि एक विकास का अपना एक निश्चित क्रम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास अध्ययन है, आपको बताना है कि बाल विकास किसका अध्ययन है? तो 4 विकल्प हैं, और पहला है बाल विकास बालक के व्यवहारों का अध्ययन है, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन है, बालकों के विकास के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी का अध्ययन है बाल विकास। विकास की प्रक्रिया संरचनावादियों के अनुसार, संरचनावादियों के अनुसार क्या है? तो सही जवाब क्या है? बी, एक नॉन कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये जो विकास होता है ये अलग अलग दशाओं में कभी तीव्र होता है कभी मंद होता है, इसलिए
इसका विकल्प बी सही है, एक असतत नॉन कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हो जाता है। यह स्टेटमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसलिए इस वीडियो में इसको लिया गया है। और इसका सही जवाब आपको देना है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं हो जाता है। ये कहा है गैसल ने, विकल्प डी। ठीक है, अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है, तो अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था प्रौढ़ावस्था नहीं होती है, बाकी तीन अवस्थाओं में विकास होता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, बाकी की जो चीज़ें हैं हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लगातार कक्षाएं चलती रहेंगी, कुछ कक्षाएं बड़ी होंगी, कुछ कक्षाएं छोटी होंगी, MCQs भी साथ साथ चलते रहेंगे, यानी कि UPTET और CTET के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। यहाँ पर आपको सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, लेकिन एक कार्य आपको भी करना होगा, वो ये कि आपको सेल्फ स्टडी करते रहना होगा। और हम जो मॉक टेस्ट आयोजित करेंगे हर तीसरे दिन, उस मॉक टेस्ट को आपको देते रहना होगा। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप आसानी से 110 से ज़्यादा अंक गेन कर पाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप हमारे हर वीडियो को देखें, साथ ही साथ आप हमारे हर मॉक टेस्ट को क्रैक करें, उसमें पार्टिसिपेट करें। जो प्रश्न नहीं आते हैं आप उसको भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आ सकते हैं, या फिर लाइक कर सकते हैं हमारे CTET को समर्पित स्पेशल पेज को, जो कि खास तौर से शिक्षक भर्ती परीक्षा और TET के लिए बनाया गया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं UGC NET की, तो कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा विद स्पेशल गाइडेंस, आपको मिलेगा अन अकेडमी पर हमारे लेक्चर तेज़ी से अपलोड हो रहे हैं, जो कि जल्दी लाइव हो जाएंगे। लेकिन आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या सिंपली आप टाइप कीजिएगा unacademy.in/user/gyan007। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि जब भी नोटिफिकेशन रिलीज हो आपकी मोबाइल तक पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।